स्टार्ट करते हैं। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 80, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्लास में कर रहे थे पिछली क्लास में, उसे कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, इनफिनिटली लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस और सारे चार्जेस क्या है, बराबर है। सबकी वैल्यू कितनी है, सारे चार्जेस की वैल्यू कितनी है, क्यू के बराबर है, ठीक। इसका मतलब है कि अनंत चार्जेस होंगे और सारे चार्जेस बराबर होंगे, लेकिन उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, एक्स बराबर 1, 2, 4, 8 और इस तरीके से होगी। तो चेक करते हैं, पहले तो हमने एक एक्स एक्सिस बना ली जिसकी क्या है भैया, इनफिनिटी की तरफ जा रहा है। जीपी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन फंक्शन। फिर से सोचो, ठीक है, माइनस कॉमन फंक्शन। हां, उसमें दो फॉर्मूले होते हैं, इफ आर इज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन वन। यस, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आर माइनस वन, आर माइनस वन होता है और लेस देन में वन माइनस आर होता है। अगर आर इज ग्रेटर देन वन है तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर माइनस वन, अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी है, क्योंकि कभी भी सम जोड़ना कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और डिनोमिनेटर तो निगेटिव होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो जब आर की वैल्यू वन से छोटी है तो वन से कोई छोटी संख्या घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो वहां होता है वन माइनस आर, डिनोमिनेटर में क्या होता है ए, ठीक, याद रखा करो थोड़ा, ठीक है। तो देखो ये है आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो, पहला चार्ज कितने प्लेस है, x बराबर 1, ये हो गया 1, यहाँ पे चार्ज कितना होगा q, फिर दूसरा चार्ज कहाँ है x बराबर 2, ये हो गया चार्ज, ये दूरी है आप, ठीक है। फिर तीसरा चार्ज कहाँ है देखो 4, ये हो गया आपका 4, फिर और इस तरीके से सो ऑन, है ना। तो यहां पर अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो हम कहेंगे इसके कारण V1 मान लेते हैं, इसके कारण V2, इसके कारण V3, V4 और ऐसे ऐसे करते करते V, जो भी नंबर आएगा इनफिनिट है ना, रुक नहीं सकते यहीं पर। तो अपन अगर निकालते हैं तो हमें पता है कि V सिस्टम का सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है किसी कॉमन पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्ज कोई इफेक्ट क्रिएट करें तो हर चार्ज के कारण उस पॉइंट पर जो भी इफेक्ट क्रिएट होता है, मैंने इफेक्ट क्यों बोला जानबूझ करके, वहां फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है और एनर्जी भी हो सकती है, राइट। इसीलिए मैं सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो क्या करिए, सबको ऐड कर लीजिए, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी हो तो स्केलर एडिशन कर लो, वेक्टर क्वांटिटी हो तो वेक्टर एडिशन कर लो, यही होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना, हम कहीं रुकने वाले तो है नहीं, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, k q अपॉन r, r कितना है 1, k q अपॉन 2, k q अपॉन 4, k q अपॉन, क्या हमें दिख रहा है k q सब में कॉमन है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं ना, तो निकाल लो बाहर। तो अगर हम इसको बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, एक आपको पैटर्न दिखने लगेगा जो कि एक जीपे के फॉर्मेशन को जन्म देगा। जैसे कि यहां पर अगर हम के क्यू को बाहर निकाल लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, यही तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 1 में हमने अगर इसको सीक्वेंस में लिखे बेटा 1, 1/2, 1/4, समझने के लिए कर रहे हैं, रफ वर्क है, और इसके बाद आएगा 16 एंड सो ऑन। तो मैंने ये पाया 1 में मैंने कितना मल्टीप्लाई किया 1/2, तो क्या बन गया 1/2, 1/2 में फिर से मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 1/4, 1/4 में फिर से मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया, आ गया 1/8, फिर 1/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा। तो मतलब ये समझ में आ गया कि मेरा कॉमन रेशियो क्या है, मुझे समझ में आ गया दिस इज योर जीपी और जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो और आर की वैल्यू कितनी है और विच इज लेस देन, ठीक है ना। और अपने को क्या करना है, ये देखा जाए तो ये सम हो रहा है ना, तो कभी भी जीपी का सम करते हैं इनफिनिटी तक तो फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, करके देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आपके रिकॉर्डिंग में सारी चीजें हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, बेसिक मैथ ही क्लास अलग चल रही है वहां, जिसको नहीं आता जीपी उसमें आइए 3:30 बजे पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो बाहर है ब्रैकेट को उसको पॉजिटिव लिखा जाता है, अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, जब भी आपको एडिशन करना हो, देखो इसको एडिशन कहते हैं, सम कहते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है इनफिनिटी के लिए, ए अपॉन 1 माइनस आर अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है और ए अपॉन आर माइनस 1 अगर आर की वैल्यू, यही दो फॉर्मूले होते हैं, याद रखना,
ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया बताओ, 1 upon 1 minus 1 by, नहीं आएगा, कर लेंगे अब तो कर लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए, पता है मुझे, कर लें दो थोड़ा, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अभी सिखाया ना ये 1 upon 1 into 2 एलसीएम हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ जाता है, न्यूमरेटर, है ना, ये बातें ऐसे जैसे बोलता हूँ ऐसे बोला करो तभी याद होगी, क्या बोला, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा कहाँ भागेगा, न्यूमरेटर, इसका एलसीएम तो सब ले लेंगे, तो चलो एक स्टेप में और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon 1 एलसीएम विल बी 2, और देखो 1 2 जा 2, तो क्वेश्चन कितना है 2 ना, और यहाँ क्या है 1 1 2 क्या करेंगे 2 आएगा, और 2 1 जा 2 1 क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into 1 1 आ गया, ठीक, तो देखो क्या आ गया, ये 2 k q, 2 minus 1 होता है, और डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर, समझ में आ गया, तो फाइनल क्या लिखेंगे, k की वैल्यू कितनी होती है, 1 upon 4 pi, या फिर q upon 2 pi, ठीक है भैया, ये आंसर होगा, ठीक है, आसान था क्वेश्चन, अगर बेसिक मैथ अच्छा है तो आसान था, नहीं तो डिफिकल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, आगे बढ़ें, चलिए देखिए हो गया, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, यूनिट दो ही होती है यार, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स होता है न्यूटन, चार्ज होता है कूलम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की से चेक कर लिया करो, ऐसा ही है, ठीक, फिगर में दिया हुआ है ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा होगा, है ना, क्या बोला गया है, वर्टिसेस ए बी आपके दिख रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो अलग अलग पॉइंट का जो पोटेंशियल है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसकी बात हो रही है, यही तो छोटी छोटी सी बात है ना, तो हमें पोटेंशियल एट ए निकालना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल एट बी निकालना पड़ेगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, वी ए और वी बी माइनस कर देंगे, इसका अलग क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल की बात तो है नहीं, और यहाँ पर वी बी माइनस ये कहा गया है, इनके बीच का सेपरेशन, सारे वर्टिसेस के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आई गई, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, जल्दी से मुझे बताइए जरा, क्या लॉजिक आएगा आपका, सोचिए और मुझे जरा बताइए, आपको 1 मिनट का टाइम है, एक कॉमन सेंस की बात करें कि मैंने क्या सिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जितने करीब जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना, समझ में आया ना, और जितना दूर जाएंगे उतना, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा कि बी का पोटेंशियल ज्यादा, ए का ज्यादा, ए का ज्यादा है ना, सही बात कह रहे हो, ए देखो ओरिजिन इधर है, इधर से आ रहे थे, ओरिजिन इधर है, और ए करीब है बी दूर है, ये करीब है दूर है, करीब है दूर है ना, अरे भाई यहाँ कहीं ओरिजिन रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकला होगा, फिर आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस यही क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाती है, सिखाया था कि नहीं सिखाया था, जब पॉइंट चार्ज पढ़ाए थे, तो ओरिजिन इसके करीब ये है भैया कि ए है, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस है ना, अगर मैं इधर से भागता हुआ आ रहा हूँ तो इतना तो सिखाया था मैंने, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस पढ़ाया था, है ना, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस भी याद करे होते तब भी कर लेते, क्या सिखाया था उसमें, क्या है कि जितने भी पॉइंट होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पैरेलल पॉइंट होंगे वहां पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा, अब मुझे बताओ कौन सी लाइन करीब है, बी वाली ना, तो कॉमन सेंस है कि बी बी इज ग्रेटर देन, ये देखो तुम लोग कंप्लेन बहुत करते हो फिजिक्स को लेकर के, लेकिन तुम्हें यार सामने में दिखा रहा हूँ कॉमन सेंस हम छोड़ देते हैं, ये नीट तक के लिए बता, बोर्ड तो छोड़ ही दो, बोर्ड तो कुछ नहीं, हमने कोई साइंस लगाई क्या, ये बात हमने क्लास में नहीं बताई थी ना, आप सोचो हर चीज को दिमाग में कॉम्प्लेक्स कर लेगा तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, चीजें देखना सीखिए, फिजिक्स में 80% क्वेश्चन ध्यान से देखने से समझ में आने लगते हैं, आप पहले से फोबिक हो जाओगे कि इसमें बस फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा, तो फॉर्मूले से दुनिया नहीं चलती, फॉर्मूले से सिर्फ टू द पॉइंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बस, नीट में देख लीजिए, ठीक है,
तो आप ये बात जो मैंने क्लास में क्यों बताई होगी, टाइम पास के लिए तो बताई नहीं होगी, तो कहीं तो काम आ रही होगी तभी तो बताई होगी। तो अगली बार से जैसा कोई कभी पूछे तो दिमाग थोड़ा लगाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। इतनी सी हेल्प करने से फायदा बहुत हो जाएगा, ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, ये बात तो हो गई ना, एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। अब शुरू करो सॉल्व करना, आप सॉल्व करना शुरू करो। तो के क्यू अपॉन आर तो हम सब मानते हैं कि वो जो भी होगा सर वी 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 ए माइनस, अगर हम फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो हमें पता है वी ए माइनस वी बी मीन गिव अस आर नेगेटिव वैल्यू, इतना तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, है ना। कुछ भी देगा सर एक पोटेंशियल ही देगा, और जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आएगा उसके फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इफेक्टिव चार्ज के क्यू अपॉन आर ही आएगा, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा। ये आर क्या है इस केस में, आर तो सर इनके बीच की इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, नहीं बचा। अब मैं बताता हूं, मैंने क्या बोला कि यार ये ए और बी एक एंगल पर है, एंगल पर है कि नहीं है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा इनके बीच में, देखो जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो तो हॉरिजॉन्टली आ रहा है, मेरी बात सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूँ आराम से बोलूंगा, तोड़ के बोलूंगा, सुनोगे आएगा मजा भी आएगा। जो भी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इस पूरी लाइन पर दिखाया है ना, इस पूरी लाइन पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लगेगी कि नहीं लगेगी, सहमत हो ना। अच्छा ये बताओ, बिल्कुल काट दो, ये इस पूरी येलो लाइन पर, अगर येलो लाइन दिख रही बोल दो, अगर ये नई रेड लाइन जो बना रहे हैं क्या हो गया, नाराज हो गए क्या, नाराज हो उतना पड़ेगा नाराज हो गया। फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ इनके बीच कोई लाइन अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी नहीं आएगी, इसका मतलब है देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। किसी एक एंगल पर कोई लाइन कटी है तो उससे कोई मतलब है नहीं, इसको अगर एक इफेक्टिव एंगल करेंगे तो जो सेपरेशन आएगी इनके बीच में इन दोनों, ये पहली रेड लाइन और दूसरी रेड लाइन, यही इफेक्टिवली तो चेंज को रिप्रेजेंट करती है। अब कुछ आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर अपन यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठ जाए तो आपको अलग अलग पोटेंशियल देखने को मिलेगा, और ये पोटेंशियल हर जगह के लिए काम करेगा। तो अगर मैं यहाँ के लिए निकाल लूंगा इसके जो सामने वाले पॉइंट पर, तो मैं ए के लिए निकाल लिया, सही कह रहा हूँ, अब कंसेप्ट मैच कर रहा है। चलो देखो अब आगे बढ़ते, तो इसका मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई है कि इफेक्टिव सेपरेशन ही होता है पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, समझ में आया। अगली बार क्वेश्चन आएगा तो अपने को पता है हम ए के लिए सॉल्व करेंगे, बी के जस्ट सामने वाली बात कर लेंगे, राइट। अब मैं कहता हूं इनके बीच के सेपरेशन कितना मानते हैं, लेट मान लेते हैं सेपरेशन कितना है, सेपरेशन लेट क्या है गिवन भी है लेकिन हमने मान लिया डी, और डी की वैल्यू कितनी है आप कहोगे सर 2 मीटर, है ना, गलत तो कह नहीं रहा हूं। एक आप मेरी बात सुनो, अगर ये एक ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है और उसके वर्टिसेस के बीच का एंगल कितना होता है भाई 60 डिग्री होता है ना, बहुत अच्छा हो गया काम बन गया मेरा। अब वेक्टर किसको किसको आता है, वेक्टर तो आता ही होगा ना, ये पॉइंट क्या हो गया इतना ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गई एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, आपको अच्छे से पता है इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 60। अगर इसका हम दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लें तो क्या आएगा, एक कॉस कंपोनेंट जैसे इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, है ना, और वो क्या होगा आपका, ये अगर डी है तो डी कॉस 60, सही है ना भैया, कुछ गलत तो नहीं किया, हमें यही चाहिए था क्या, यही चाहिए था कि नहीं चाहिए था, डी कितना है हमारा 2, अभी भी नहीं कर पाओगे क्या, अभी भी नहीं कर पाओगे क्या, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, DAB is equal to 2 into cos 60, ठीक, अभी काम खत्म नहीं हुआ, मेरी बात सुनो, अगर मैं चाहूं तो मैं क्या इसको, मैं बोल रहा हूं आप मुझे बताएंगे कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत, DAB वैसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए सिंपल लिखता हूं, VA minus VB is equal to, क्योंकि मुझे पता है आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इनटू गलत किया हो तो बताना, फॉर्मूला क्या करोगे, ओपन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, और अगर आप निकालोगे डिफरेंस
तो देखना ध्यान से, मैं दिखा दे रहा हूं, KQ अपॉन जो भी आपका RV स्क्वायर होगा है ना, और फिर KQ अपॉन RA स्क्वायर होगा, और इफेक्टिव सेपरेशन तो DAB ही आएगा ना। क्यों भाई नहीं बचा? अब मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर नहीं आएगा तो फिर समझ लेना। सिस्टम डिस्टर्ब, एक चार्ज क्यों रखा, एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, सुनना ध्यान से, सिंपल नहीं है, ऐसे सिंपल नहीं होता ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगा बताओ जरा, आपको कहोगे सर ये दूरी आर बी और ये दूरी, ये तो कहोगे ना के क्यू अपॉन और के क्यू अपॉन है ना, अब मैं कहूंगा इनके बीच का बताओ डिफरेंस लिखना है, तो माइनस ही तो करोगे, करोगे नहीं करोगे, बाद वाले को पहले वाले से या पहले वाले को बाद वाले से, ऑब्वियसली बाद वाले और पहले वाले में आप देखोगे किसकी वैल्यू ज्यादा, यही तो करोगे ना। तो जब सेपरेशन करोगे तो केके तो निकल जाएगा बाहर, वन अपॉन आर ए स्क्वायर वही तो बचेगा, तो इफेक्टिव सेपरेशन ही तो आएगा बीच के अंदर, और होल स्क्वायर में है तो मैंने क्या खेल दिया, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, जब वो डी ए बी का होल स्क्वायर आएगा तो अपन एक डी ए बी निपटा देंगे, तो बचेगा तो आपका पोटेंशियल ही। कैसे फॉर्मूला बनाया देखा तुमने, नोटिस किया काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब है हम एक फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं कि मैं इसको, पहली बात तो मुझे ये पता है, मुझे नीचे पता चल जाएगा, और यहाँ से मैं इक्वल टू लिखता हूँ माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए बी, ये फॉर्मूले की तरह भी याद कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए कंसेप्ट भी मैंने आपको दे दिया। अगर किसी को बहुत प्रेशर हो रहा है या चोक ले रही जिंदगी, तो आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए बी कर लेना ठीक है, आप तो कर लोगे इतना ना, और ये नेचर वाला खेल तो मैंने सिखा दिया, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कर लो ठीक। अब आंसर निकाल लेते हैं ठीक, आंसर निकालें तो वी ए माइनस बी 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 इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ऊपर 10, और ये निकाला किसी ने कितना आएगा है cos 60 होता है रूट 3 बाई 2 ना, यही पढ़ा था हमने जिंदगी में, हाँ चलो कोई तो पढ़ रहा है, नहीं जीवन खत्म हो जाता आज मेरा। cos 61 by 2 होता है कदू, क्या करें तुम लोग का, हम तो समझ ही नहीं पाते, दोनों खिलाड़ी बहुत तेज निकले हैं, रूट 3 by 2 ना, तुमने बोला रूट 3, नहीं मैं पूछ रहा हूँ किसकी वैल्यू, रूट 60 वेक्टर की वैल्यू तो रूट 3 आएगा, वो 60 अगर वेक्टर कितना बताओ तुम, वेक्टर कहाँ से आया भाई, काहे की मदद कर रहे हो, इसके अलग क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हैं, पता नहीं था क्या पूछ रहे हैं ना, पॉजिटिव आएगा फिर से सारी वैल्यू तुम पुट करोगे ठीक। अगर मैंने यहाँ थर्ड क्वेश्चन लिखो बीबी माइनस बीसी, BB is again greater than BC, देखो ना अभी सिखाया तरीका, इधर से बना रहे यहां से पहले B पड़ता है बाद में C पड़ता है, तो BB will be greater than BC ठीक है। चल क्या हो गया, नींद आ रही, नींद नहीं आ रही है, तकिया हो क्या मंगाए ऐसे मत करो ठीक है। तो यहाँ से क्या लगा, ये देखो चलो शायद तुम्हें जगाते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, कोई नहीं आराम आराम से कर लेंगे, टेंशन ना लो। फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने, बी बी माइनस बी सी, पहली बात तो इसकी मदद से हम जान जाएंगे आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा सर पॉजिटिव ठीक। उसके अंदर क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, यही तो कहा था, फिर क्या बोला था बी और सी के बीच में जो आपका इफेक्टिव दूरी आएगा वो कैसे निकालेंगे, स्टेट एलिमेंट दूरी, जो यहाँ पे कितनी है 2 मीटर, यहाँ देखो सामने सामने, तो यहाँ लिखेंगे डी बी सी, ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओवर 10 और डी कितना है, डी बी सी कितना है 2, कितना आ गया 20, आसान था कि नहीं, हो गया ना फॉर्मूला काम करता है कि नहीं करता है, तो तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला भी हमने तैयार करके दे दिया, जब भी कोई चार्ज का कॉम्बिनेशन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ भी मत करना, बस आप दो लाइनें जहां जहां पर चार्ज है खींच लेना, उन दोनों लाइन के बीच की दूरी निकाल लेना ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना, सीधे तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर मिल जाएगा। एक और बात कि उसका नेचर निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है,
कि कैसे आपको पता करना है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना, बाकी सब चीजें ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए देखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या पढ़ रहे हो। एक आपको वर्गीकरण से रिलेटेड भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखवाया था, कुछ याद है? वर्गीकरण इज इक्वल टू चार्ज इनटू चार्ज, कौन सा चार्ज जिसको अपन मूव करा रहे हैं ना, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिस दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराते हैं उसी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे कहते हैं इफेक्टिव वर्गीकरण, ठीक। ये भी नोट्स के अंदर है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, उसको कैरी कर रहे हैं कहां से, ए से बी की तरफ, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि ए से बी जाएंगे तो अपन कुछ वर्क तो करेंगे, है ना। फिर आगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50 माइक्रो जूल, क्या लिखा है, माइक्रो जूल। तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से क्लियर कर दूं ना, चार्ज ऐसा यूनिट में है और ना तुम्हारा वर्क, दोनों को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइक्रो को हटाने का एक ही तरीका है, 10^-6 मल्टीप्लाई, ठीक। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम एंड घूम रहे हो इंटू जहां से जा रहे हो जहां पे जा रहे हो, सिंपल, ठीक है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, हो गया, करें कि कर लोगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि वर्क डन पता है, चार्ज पता है हमें, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो, ये तो ऐसे ही कट गया, कितना आसान क्वेश्चन था ये, हो गया ना। अब इसका मतलब है VA माइनस VB कितना आ गया, +25। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो कॉमन सेंस है कि VA ज्यादा रहा होगा, तभी तो आया है ये, है ना। तो VA इज ग्रेटर देन, वो लिख लो, VA इज ग्रेटर देन, आसान है कि नहीं क्वेश्चन, ठीक। बस फॉर्मूले अगर बताओ, कंसेप्ट बताओ तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय, इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन से डरा मत करा, फंक्शन का मतलब क्या है, जो किसी पर निर्भर करे, यही तो बात है ना। जैसे मैं कहूँ कि प्रशांत इज अ फंक्शन ऑफ क्लास, तो क्लास अगर होगी तभी तो फंक्शन करेगा, प्रशांत नहीं तो नहीं करेगा। अरे आप ना हो तो क्लास कैसे चलेगी, वो बात अलग है, हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, वो अलग चीज है, लेकिन फिर भी क्लास पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है मेरा आउटकम। अगर क्लास नहीं होगी तो हम बैठे रहेंगे, फोन चलाएंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि जब कोई किसी पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसी को फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जिस पर डिपेंडेंट हो वो वेरिएबल, समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, वेरिएबल हो गए, कभी कुछ लोग एब्सेंट हो जाएंगे, कभी कुछ लोग आ जाएंगे सारे के सारे, है ना। आप क्या हो, वेरी करोगे। अब अगर मान लो कि एक ही बच्चा आया है और मेजोरिटी एब्सेंट है, सबने मास्क बंद कर दिया, अब मास्क बंद कर दिया, उस केस में क्या होगा, हम पढ़ा पाएंगे मजबूरन, या तो हमको देखना पड़ेगा ऑनलाइन में कुछ बच्चे जुड़े या नहीं जुड़े, नहीं तो मेरा सिलेबस डिस्टर्ब हो जाएगा, क्लास की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को कुछ क्वेश्चन करवा दिया, मेरी परफॉर्मेंस चेंज हुई कि नहीं हुई, तो मेरा आउटकम किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल के ऊपर, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, तो इतना ही छोटी सी बात है। तो अगर फंक्शन वंक्शन पढ़ो डरने की आवश्यकता नहीं, ढूंढो कि वेरिएबल क्या है और फंक्शन क्या है। Determine the electric field instant at 0.2 meter, 0.3 x, y, z. अच्छा ये बताओ कितना बेकार क्वेश्चन है, क्या पोटेंशियल हमारा किस इसके y एक्सिस पे डिपेंड करता है क्या, वो तो सिर्फ x का फंक्शन है ना।
अब जानबूझ करके, क्योंकि बच्चे जो कमजोर होते हैं वो कहते हैं सर बताया पोटेंशियल पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये भूल जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टी आई एक्स हो जाएगा यहाँ, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज फंक्शन ऑफ, यहाँ आर कब होता है? जब 3D हो, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी हो वाई कोऑर्डिनेट भी हो, लेकिन हमारा जो बेचारा वी है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है। अब मैं बताऊँ ये क्वेश्चन कब काम का होता, अगर यहाँ पे ये जेड है ना, ठीक, अगर ये ऐसा होता 2x² + 3z² तब क्या है पोटेंशियल एक्स पर भी निर्भर करता है, और तब मैं क्या कहता, मैं कहता वो काम की चीज, ठीक है, समझ में आया। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारे केस में तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, ठीक है, और यह माइनस साइन होता है, तो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म भर दो, इसीलिए बेसिक मैथ की क्लास करनी बहुत जरूरी है, जिसको मामले नहीं आते हैं उसको हर क्लास में ये दिक्कत करेगा, डिफरेंशिएशन, ठीक, किसी भी नंबर पे डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर निकाला जाता है उसको, ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो -2d/dx ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, और एक फॉर्मूला होता है -2 × 2 × x^2, गलत है क्या? ठीक है, -4 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, क्या जाएगा -4 × x^3 कितनी है, माइनस साइन क्या है, करेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इनवर्ड है ना, कैसी है इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव कब होती है, जब नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उससे बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, नेगेटिव होगा तो मेरी तरफ आ जाएगी, ठीक। अब अगर मुझे इसको सर वेक्टर में लिख के दिखाओ, तो बेटा ये फॉर्मूले में देखो ये क्या है, एक्स है ना, तो एक्स की डायरेक्शन में क्या आता है, आई कैप आता है कि नहीं आता है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, इन वेक्टर -8, गलत है क्या, यूनिट तो सेम रहेगी, बस इतनी छोटी छोटी बात है, चाहे आप वोल्ट पर मीटर लिखे चाहे न्यूटन पर कूलम, बात तो हाँ, तो किसी किसी को ये सब चीटिंग हो रही है, न्यूटन ने नहीं लिखा है, लो भैया ठीक है, ये भी सही, हाँ ठीक, सब पढ़ा दिया। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन तो बता दो, क्या बी ए बी 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 सी के नोट से नोट्स में कराया नहीं, कंसेंट्रिक शेल वाला, तो फिर टाइप ही नहीं कर पा रहा, करो यहाँ माइनस सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा होता है था चार्ज डेंसिटी, माइनस मतलब माइनस क्यू अपॉन ए रहा होगा, है ना, अब ये छोटी शेल है सर, इसका एरिया A1, इसका A2, इसका A3, क्योंकि तो भैया साइज के हिसाब से होता है ना एरिया, स्फीयर का ये फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², चलो ट्राई करो, ये आखिरी क्वेश्चन है पोटेंशियल पे, जल्दी करो, चलो देखो, तो हमें बताया कि पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर, मैं सिंगल स्फीयर की बात करता हूं, अगर उसका रेडियस कितना है a, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल सरफेस के लिए निकालना है तो होता है k q जो भी चार्ज है अपॉन आपका रेडियस कितना है बताओ a, ठीक। अब ध्यान समझना, हम मान लेते हैं इस पर कितना चार्ज है, तीनों पे चार्ज मान लेते हैं अपन, यहाँ मान लेते हैं Q1 है, यहाँ Q2 है और यहाँ पर Q3 है, लेकिन तीनों पर चार्ज डेंसिटी बराबर है, और प्लस माइनस ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है और निगेटिव चार्ज कहाँ है, जैसे एक जगह 2 कूलम है, एक जगह -4 कूलम होगा, लेकिन डिवीजन में भी आपका इस तरीके से आ जा रहा है कि आपका फ्रैक्शन बराबर चल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, नेचर अलग अलग है। तो यहाँ देखो हम तुमको पहले चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना सिखा देते हैं, तो ये होता है 1/4π, ठीक है भैया, और ये होता है क्यू, ठीक, अपॉन में, अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है, ये a, अगर मैं a का मल्टीप्लाई और a का डिवाइड कर दूँ तो क्या लगा, q/4πa² हो जाएगा a into a, और यहाँ क्या बचेगा a/ε0, ये क्या हो गया, ये सिग्मा क्या हो जाएगा, ठीक, तो फॉर्मूला कैसा नया दिखेगा, तो v इक्वल हो जाएगा σa/, ठीक है, मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिग्मा ए क्या है, रेडियस है, ठीक है ना, तो अगर मुझे तीनों के लिए यूज करना है, इससे मेरा काम आसान हो गया, मुझे तो बार बार पोटेंशियल समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे रेशियो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर हमें निकालना है, देखो कह रहे हैं कि वी आई बी सी के बराबर है, पोटेंशियल एट ए और सी बराबर है, ठीक,
और क्या कह रहे हैं VA VB VC निकालो, तो VA निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन, गलत है क्या कुछ, लिख डालो ठीक। अब क्या उस पर बस वही पोटेंशियल होगा, यही तो सीखने वाली बात है, क्या A पर सिर्फ इसके ऊपर जो चार्ज है उसके कारण ही पोटेंशियल होगा, तो आंसर इज सर नो, क्योंकि पोटेंशियल में आपने सिखाया था कि कंसेंट्रिक सेल वाला क्वेश्चन याद करो, उसमें क्या होगा कि सर किसी बड़ी शेल के अंदर छोटी शेल रखी है तो उसके लिए तो ये माना जाएगा ना इनसाइड, इनसाइड वाला केस, तो आपने सर सिखाया था कि पोटेंशियल इनसाइड अ स्फीयर जो कि खोखली होलो स्फीयर यानी कि स्फेरिकल शेल, आपने बताया था कि v सरफेस ही होता है v इनसाइड, जितने भी पॉइंट लाई करते हैं जो भी सरफेस का पोटेंशियल रहेगा उसके सेंटर तक जितने पॉइंट लाई करेंगे उन सब पॉइंट पर वो सरफेस वाला पोटेंशियल लेकर के जाएगा, ये बात सिखाई थी ना। तो अब मुझे ये बताओ इस बेचारे a के लिए तो जो मैंने अभी लिखा वो क्या लिखा, v सरफेस लिखा हुआ है, सरफेस फॉर स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस a, मैंने कहा ये छोटू सा अपना अकेला स्फीयर हमने माना और इसका रेडियस a था, इसके ऊपर जो भी चार्ज था उसके कारण उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो मैंने लिखा है, सही लिखा है ना। लेकिन अब दूसरा केस देखो ध्यान से, बड़ा मजेदार है। लेकिन जब मैंने देखा कि अरे मेरी दुनिया तो इससे भी बड़ी है, आसमान में देखा तो मैंने देखा मैं एक कंटेनर के अंदर हूं, मेरी बात समझ रहे हो, और उस कंटेनर पर कुछ और चार्ज है ठीक है, तो वो चार्ज भी तो पोटेंशियल लगाएगा ना मुझ पे, मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, और उस चार्ज की दूरी कितनी है सेंटर से, बी दूरी है, तो इसका मतलब है ये जो छोटू सा स्फीयर है इस वाले की इसकी दुनिया के हिसाब से इसको लगेगा मेरे इनसाइड, मेरे इनसाइड है कि नहीं है, और इनसाइड का पोटेंशियल कितना होता है फिर से सर के क्यू अपॉन जो सरफेस वाला था आर की जगह बी आ जाएगा। अब उसको कन्वर्ट करना सिखाया था मैंने, क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा कौन सा होगा बी वाला सिग्मा होगा, और बी वाला सिग्मा क्या हो जाएगा भैया माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा ना भैया ठीक। तो अब अपन लिखेंगे माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन उसका क्या करेंगे उसका रेडियस, गलत किया मैंने कुछ ये उसी का होगा ना उसके सरफेस के हिसाब से होगा। अब फिर हमने देखा बी ने सोचा कि हम ही हैं बॉस, लेकिन जैसे वो देखता है आसमान फिर पाता है कि हम भी किसी के अंदर है, मेरी बात समझ रहे, तो इसका मतलब है फिर से अब ये सी असली बॉस था, तो सी के ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके लिए बी भी इनसाइड और ए भी इनसाइड, और मैंने क्या सिखाया था सेंटर से लेकर के सरफेस तक पर सेम पोटेंशियल होता है ना, तो सी के चार्ज हर पॉइंट पर बी पर भी ए पर भी बराबर पोटेंशियल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और पोटेंशियल कितना होगा जो पोटेंशियल एट सरफेस सी है ना, तो फिर से वही के क्यू अपॉन सी उसको कन्वर्ट करेंगे तो सिग्मा कौन सा सिग्मा आएगा सी वाला सिग्मा आएगा, वो पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, और इसके बाद इसका जो रेडियस है लिखना, समझ में आया कि नहीं आया, ये है पोटेंशियल एट ए। अब लिखेंगे बीबी, बीबी के लिए देखो बीबी के लिए फिर से गलती होती है, इनसाइड अगर कोई चार्ज है तो वो आउटसाइड पोटेंशियल लगाता है कि नहीं लगाता है, बिल्कुल लगाएगा यार क्यों नहीं लगाएगा है ना, बस उनके बीच के डिफरेंस वाली बात ले लेना। तो जरा बीबी लिख के बताओ, बीबी लिख के बताओ, अब ये बीबी वाले में ही तुम्हारी असली नॉलेज टेस्टिंग होगी, चलिए देखिए। तो इनसाइड के लिए तो मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया परमानेंट है ना, इनसाइड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब सुनो ध्यान से आउटसाइड के लिए, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लो और आउटसाइड, आउटसाइड कौन सा इसके लिए तो बी आउटसाइड है ना भाई, तो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा स्मॉल आर हमेशा पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, किसकी पोजीशन जिस भी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल लगने वाला है, कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है जो भी इनसाइड जो भी स्फीयर होगा उसके रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब है फार्मूला बनेगा तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, समझ में आ रहा है ना, तो कर डालो फटाफट, अब कर डालो, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू स्मॉल स्फीयर ए विद रेडियस स्मॉल ए इज गिवन बाय
सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बी, फिर माइनस होगा ऑब्वियसली क्योंकि बी पर जो चार्ज है वो निगेटिव है, तो माइनस ये यहाँ से नॉर्मल हो गया क्योंकि सरफेस पहुंच गए, सरफेस और आउटसाइड वो इनसाइड वाला केस है, तो सिग्मा क्या जाएगा बच्चा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, फिर से प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हाँ? जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, ये मैंने यहां भी लिख दिया है तो कर ही लोगे ना, हाँ कर लोगे ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन ले लो यार, क्या बचेगा ए स्क्वायर बी माइनस बी प्लस सी, है ना, दिखने थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, वी सी भी निकाल लो, सबसे मजेदार पता है कहां शुरू होता है क्वेश्चन, जब ये स्टेटमेंट पढ़ोगे कि आप ये तो तुम अभी पहले स्टेप में हो, बी ए बी 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 सी निकाल दो, कह रहे हैं अगर बी और बी सी बराबर हो जाए तो फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये अभी हम करके सिखाएंगे आपको, कुछ करना मत, बस बी ए और बी सी को इक्वेट कर दे, ठीक है, ए बी सी का एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, एक इक्वेशन बन के आएगा, ठीक है, बस वही ए बी सी का जो रिलेशन है वही हमें चाहिए, गया कुछ ऊपर वाला लिख लोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी प्लस सी, तो कर लोगे ना, अरे सिग्मा यहाँ पे भी यहाँ भी ये कॉमन ले लिया ए माइनस बी प्लस सी, वो कर लोगे यार तुम लोग, लिख दे, लिख देते हैं ए माइनस बी प्लस सी, इक्वेशन नंबर वन हो गया और ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, ठीक है, अब इक्वेशन नंबर थ्री बी सी निकालो, बी सी के लिए क्या हो जाएगा, देखो B वाला स्पीयर और C वाला स्पीयर दोनों इनसाइड है तो उनके लिए फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आउटसाइड वाला, दैट इज सिग्मा इनटू उनका रेडियस का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन इनटू जितनी दूरी होगी किसकी, C की दूरी, C कितनी दूरी है ये देखो यहां से यहां तक C दूरी, ठीक, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ जिसको नहीं आता ये लिखा हुआ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी, फिर माइनस क्यों बोल दिया क्योंकि माइनस चार्ज था, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ठीक बेटा, ये हो गया तुम्हारा, जो चीज कॉमन ले पाओ ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी कर दो, दोनों का तो सेम ही है ना, सेम ले लिया, ठीक है ना भाई, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है उनको, यही तो है ना, अगर चाहो तो इसको सी स्क्वायर करो अच्छे में लो, अरे अच्छे में लोगों को यहाँ क्या आएगा सी आएगा और सी इंटू सी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, किसी को ना आए तो भैया पूछ लेना हमसे, एलसीएम हो गया सी हो गया भैया सी, हाँ क्या हुआ आया तुम्हें पक्का झूठ, ये हो जाएगा बी सी, ये हो गया इक्वेशन नंबर, अब यही शुरू होता है, तो अगर हमने बोल दिया बी ए इज इक्वल टू बी सी तो क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या था ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक कर रहा हूँ, अरे सेम वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कट ही जाएगा, अब कॉमन लो सॉल्व करना स्टार्ट, क्या करते कुछ नहीं आता इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लिया करो ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये कट गया गलत किया क्या नहीं आ रहा, अरे सी इधर लाएगा बेटा तो सी इंटू ए माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर यहाँ से सब तो कट चुका है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बचेगा, ये भी प्लस में, जब इधर से लाएंगे तो माइनस हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी और c को कॉमन ले लिया मैंने बेटा, a था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला याद है a प्लस b इनटू a माइनस b, देखो a माइनस b कट जाता है तो बचेगा क्या c इज इक्वल टू a प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, अगर
जो बाहर सबसे बड़ा स्फीयर है उसका जो रेडियस है वो छोटे वाले दोनों स्फीयर के रेडियस के सम के बराबर होगा, तो ऐसा होगा नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। यही कंडीशन निकालनी है, रिक्वायर्ड। पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लगे पूछ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टॉपिक से भी नहीं पाएगा और ये पढ़ा देगा, थोड़ा टाइम बढ़ेगा आपका क्लास का, पढ़ा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब हम इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज को एक फिक्स सेपरेशन के बीच में अगर रख दिया जाए तो इनके बीच में एक सेटअप होता है, कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। और जो इनके बीच में जो आपका डाइपोल मूवमेंट होता है उसको किसे नोट करते हैं, पी से। तो आज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम में क्या होता है एक से ज्यादा चार्ज होने चाहिए, तो कह रहे हैं एक सिस्टम में अगर इक्वल और अपोजिट चार्जेस है उनके बीच में कुछ दूरी है, अगर स्मॉल दूरी है, स्मॉल डिस्टेंस है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और हर डाइपोल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट प्रॉपर्टी माने गुड, है ना। कोई भी प्रकार का आपकी फिक्स प्रॉपर्टी अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी के साथ आप क्या जुड़ चुके हो, है ना, और प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करते हैं अगर हम एक पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंगल में तो चेंज कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक तो स्मॉल पी से, है ना, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, किसी भी दोनों चार्ज में से किसी एक का भी मैग्नीट्यूड ले लो, तो इनके बीच का सेपरेशन है, और जो सेपरेशन है वही वेक्टर को डिनोट करता है, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, आपको अच्छे से पता है पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनपुट करता है और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। तो यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड। तो कह रहे हैं जो चार्ज का सेंटर होता है वो कोइंसाइड करने का मतलब जानते हो क्या होता है, कॉमन सेंटर, अभी तो बताया था ना अपन। तो यहाँ पर दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, द एटम इज नॉन पोलर बिकॉज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इट क्या होता है भैया, कोइंसाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि जब कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और कोई एक नेगेटिव चार्ज, उनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा और लेकिन उनका सेंटर क्या है, कॉमन सेंटर है, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है, तो उनके बीच में डाइपोल मोमेंट सेटअप ऑटोमेटिकली हो गया। तो पहले से ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कह रहे हैं भैया, कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक डाइपोल है। समझ में आ रहा है, और कह रहे हैं नॉन पोलर है बिकॉज उनका सेंटर क्या है, कोइंसाइड करता है। पोलैरिटी कैन बी इंड्यूस्ड इन अ एटम बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होता है पहले से, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से भी ये कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिव को रिपेल करेगी, और रिजल्ट क्या होगा, उनके बीच में सेपरेशन बन जाएगा, और वो उनके बीच में जो फिक्स सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे डाइपोल को जन्म दे देगा। समझ में आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डाइपोल। आपने क्या किया, क्योंकि आपने कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया उसके बाद डाइपोल बना, इस वाले में आपने कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं किया, पहले से डाइपोल बना था। समझ में आया, तो इसमें फोर्सफुली हमने यहाँ पे फोर्सफुली कैसे करा, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जिससे कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चेंज हुआ, जिससे कि क्या हो गया, एक सेपरेशन बनी और उनके सेंटर एक अलाइन हो गए, जिससे कि एक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया, इसीलिए आप कहेंगे इसको इंड्यूस है। डाइपोल मोमेंट आपको मैंने बता दिया एक कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्टेड फ्रॉम अभी बताया मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव, डायमेंशन क्या होगा इसका LTA, बहुत सिंपल है यार, देखो चार्ज का होता है AT और डिस्टेंस तो जानते ही हो, तो ठीक है LTA। यूनिट क्या होगी, कूलम्ब मीटर, ठीक। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, डीवे, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज ईच हैविंग चार्ज क्या ये 10 टू द पावर माइनस 10 फ्रैंकलिन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, यहां पर प्रोटॉन गलत है थोड़ा, इसमें रुको चेक करें, करेक्शन है इसमें, तो सही है 10 टू द माइनस 10 ये फ्रैंकलिन यूनिट के साथ, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है, फ्रैंकलिन यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है।
अब जब कन्वर्ट करो कूलम में तो आ जाएगा 1.6 × 10⁻¹ कूलम। एंड सेपरेटेड बाय कितना डिस्टेंस है, ये क्या है यूनिट, तो लेंथ जानते हो, अंगस्ट्रम का स्मॉलर यूनिट होती है किसकी, मीटर से छोटा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा, मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटा होता है ना ये। एज हैड डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सेपरेशन बोला गया था, सेपरेशन आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, चार्ज आपको ये प्रोवाइड कर रहा है और दोनों अपोजिट हैं, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, क्या भाई, ऑफ 1 dB, जिनके वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 dB, समझ में आ रहा है। आगे देखिए 1 dB = 10⁻¹⁰, ठीक है, फ्रैंकली, और ये क्या है मीटर, ठीक। यहाँ पर ध्यान देखिए 10⁻²० इंटू क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्जन कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा टाइपो एरर है, मैं सही चीज लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²० कैसे पावर ऐड हो जाती है, ठीक। और ये देखो, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है बड़े भाई तो लिख लो यार तुम लोग, ये हो गया 10⁻²० मीटर, ठीक है। और ये क्या है, ये कैसे अलग किया, तो आपको अच्छे से पता है QD होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्यू इंटू डी, तो डी कितना था 1 angstrom, तो ये यहाँ से 10⁻¹ आया एक मीटर में। और ये क्या है भाई, चार्ज कितना था 10⁻¹, किसी भी Q1 Q2 में से जो चार्ज की वैल्यू 10⁻¹ फ्रैंकलिन थी, तो देखो यूनिट क्या होगी, फ्रैंकलिन इंटू मीटर। अब इधर क्या किया, इस फ्रैंकलिन को कैसे कूलम में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 3 × 10⁻¹, समझ में आया, और जब इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.3 × 10⁻¹⁰ कूलम, समझ में आ रहा है। तो ये लिख लो कि भैया फ्रैंकलिन को कूलम में करना है, ठीक है, ये सब लिख लो। ठीक, अगली क्लास में इसके आगे बात करेंगे, अपन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल, ठीक है, जिसमें अपन एक्सियल पॉइंट पर अगर कोई डाइपोल, अगर एक्सियल पॉइंट और डाइपोल पर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, आज के लिए, ठीक है, थैंक यू।